हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प। सबसे पहले A4 साइज़ का एक पेपर लेंगे, उसको हाफ बाई में कट करेंगे। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसको कट कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी करनी है। चाकू को इसको हाफ बाई में कट कर दिए हैं, इसी तरह से आपको भी करनी है। ब्लेंडिंग स्टम्प का हम यूज करते हैं ड्राइंग को स्मूथ शेडिंग के लिए, जिससे ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको रोल कर रहे हैं, बहुत ही टाइटली रोल करना पड़ेगा इसको। इसी तरह से आपको भी करना है, एकदम टाइटली इसको रोल करना होगा, तभी हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प अच्छा बन पाएगा और उससे स्मूथ शेडिंग होगी। इस तरह से आपको भी करनी है रोल। आपको जिस तरह की साइज़ रखनी है उतना इसमें पेपर यूज करना है। आपको पतला स्टम्प चाहिए तो इसको एक ही पेपर से बना देंगे। इस तरह से आपको भी इसको रोल करना है। तो गाइस, अब इसमें दूसरा वाला पेपर यूज करेंगे ताकि हमारा स्टम्प का साइज़ थोड़ा मोटा हो जाए। इस तरह से हम इसको इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब इसको इस तरह से रोल करेंगे। पेपर स्टम्प का ड्राइंग में बहुत ही महत्व होता है इसका यूज, इसी से हमारा ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक बनती है। इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया है, बहुत ही टाइटली रोल हो पाई है। अब इसको टेप से अच्छी तरह से इसको इसको टेप से अच्छी तरह से हम इसको कर देंगे क्लोज। इस तरह से इस पर मैंने टेप लगा दिया है। इसी तरह से आपको भी करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लेंडिंग स्टम्प बनने ही वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसको टेप को कट कर लेंगे। यहाँ पे हम दोनों साइड नाइफ से हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करना है आपको। इसको हम कट कर दिए एक साइड। इस तरह से हम ब्लेंडिंग स्टम्प बना लिए हैं। अब इसको स्लोप में कट करेंगे। इस तरह से स्लोप में आपको भी कट करनी होगी पेपर को, कि हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प बनने ही वाला है। इसको हम यूज करके दिखाएंगे किस तरह से इससे स्मूथ शेडिंग होती है। ये ऑनलाइन लेने में परचेस करने में बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसको काफ़ी आसानी से हम घर पे भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम बना लिए हैं। इस तरह से इसको स्मूथ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प बन चुका है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम बना लेंगे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ये हम एक 2B पेंसिल से इसको स्मूथ शेडिंग करके देखते हैं। ये मैंने अब इसको हम शेड करेंगे, हमने जो भी ब्लेंडिंग स्टम्प बनाया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ शेडिंग हो रही है। तो गाइस, आप भी इसको घर पे बनाएं।
और ड्राइंग में यूज करें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ शेड हो पा रही है। तो गाइस आप लोग भी इस मेथड को ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।